राज्यसभा बढ़ला एनडीए बल, निर्द्वंद निर्वाचित हेले सबु प्रार्थी, एगारटी आसन हातेला बीजेपी नेतृत्व अधीन एनडीए, बढ़ला एनडीए बल। राज्यसभा उपनिर्वाचन निर्द्वंद निर्वाचित हेले एनडीए सबु प्रार्थी, बारटी राज्यसभा आसन पर उपनिर्वाचन समस्त प्रार्थी बिना बाधा निर्वाचित होती, एगारटी सीट जीति न्यासनाल डेमोक्राटिक आलायंस। सेपरी कांग्रेस को मिली मात्र गोटे आसन, फल राज्यसभा आहरी बलियान हो भारतीय जनता पार्टी। इतिहास में प्रथम थर पर एनडीए राज्यसभा आत्मनिर्भरशील हो पारी, जहां मोदी सरकार को बिल पास करवा सहज कर। बारटी राज्यसभा आसन अनुष्ठित निर्वाचन में भाजपार 9 जन सदस्य एवं यार सहयोगी दलर 2 जन सदस्य निर्वाचित होते। कांग्रेस अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगानु राज्यसभा निर्वाचन जीति, राजस्थान में भाजपार रवनीत सिंह बिटू, हरियाणार किरण चौधरी, मध्यप्रदेश जर्ज कुरियन एवं बिहार मनन कुमार मिश्र निर्वाचित होती। एथसत विडीए एनडीए सहयोगी तथा राष्ट्रीय लोकदल नेता उपेन्द्र कुशवा जीति। महाराष्ट्र में भाजपार धैर्यशील पाटिल एवं एनसीपी अजित दलर नितिन पाटिल राज्यसभा बिना निर्वाचन में निर्वाचित होती। आसामु भाजपार रामेश्वर टेली एवं मिशन रंजन दास विजयी होती। ओडिशा भाजपार ममता महंत एवं त्रिपुरु राजीव भट्टाचार्य बिना निर्वाचन में निर्वाचित होते। एथस कांग्रेस प्रार्थी अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगानु निर्वाचित होती। राज्यसभा सदस्यों संख्या 245, जोधर 8 आसन खाली अच्छी, एारोटी जम्मू कश्मीर एवं 4 मनोनीत सदस्य अच्छा। वर्तमान गृह सदस्यों संख्या 237 अटे। राज्यसभा भाजपा 9 जन प्रार्थी विजय पर यार सदस्य संख्या 96 पहुंची, एवं यार सहयोगी दलर 16 जन सदस्य अच्छा। एभली परिस्थिति में राज्यसभा एनडीए संख्या 112 को वृद्धि पाई, जदियों यह एपर्यंत संपूर्ण संख्यागरिष्ठता हासिल करना, किंतु 6 जन मनोनीत तथा जड़े स्वाधीन सदस्यों समर्थन में यह संख्यागरिष्ठता को छुई। वर्तमान कौन सी गुरुत्वपूर्ण बिल पास करने को एनडीए को अन्य उपरे निर्भर करने को पड़े ना। उपर गृह भाजपार सहयोगी मैंने जेडीयू एनसीपी जेडीएस आरपीआईए शिवसेना आरएलडी आरएलएम एनसीपी पीएमके एवं यूपीपीएल अंतर्भुक्त। राज्यसभा कांग्रेस संख्या 27 को वृद्धि पाई, विरोधी चेयर धरने को 25 सीट आवश्यक, कांग्रेस आउ 2 जन अधिक सदस्य अच्छा। एथस राज्यसभा विपक्ष दल संख्या 85 को वृद्धि पाई। रिपोर्ट राइजिंग उड़ीसा।